नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है आज हम भ्रम स्टर लॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का पहला भाग है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक्सरे का प्रोडक्शन एक्सरे ट्यूब से होता है एक्सरे ट्यूब में दो इलेक्ट्रॉड होते हैं एक कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज होता है और दूसरा एनॉइड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है कैथोड टंगस्टेंट फ्लामिट होता है और एनोड भी टंगस्टन का बना होता है देखिए जब हम फ्लामेंट करंट को अप्लाई करते हैं तो थर्मोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लामेंट की सरफेस से बॉइल ऑफ होकर बाहर आना शुरू कर देते हैं और कैथोड के अराउंड एक स्पेस चार्ज बन जाता है जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं मतलब के अप्लाई करते हैं एक ट्यूब जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाई कैनेटिक एनर्जी के साथ टंगस्टन टारगेट के फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन होता है केवल वन परसेंट एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं इस इंट्रैक्शन की वजह से हमें दो प्रकार के रेडिएशन मिलते हैं पहला है ब्रह्मस्टर्लम रेडिएशन और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इस वीडियो में हम ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन पर फोकस करेंगे ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन को हम जनरल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं चलिए इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं वेन एन इलेक्ट्रॉन दैट कंप्लीटली एवॉइड द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पासिस नियर द न्यूक्लियस ऑफ टंगस्टन एटम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस act on the negative charge of electron and the electron is attracted toward the nucleus and is deflected from its original direction the electron may lose energy and slow down when its direction changes the kinetic energy lost by the electron is emitted directly as in the form of x-ray photon and the radiation produced in this process is called bramsternium radiation it is also called breaking radiation चलिए ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में कैथोड है और राइट साइड में एनोड है जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाई कैनेटिक एनर्जी के साथ टंगस्टन टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और टंगस्टन टारगेट के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं अब हम देखेंगे ब्रह्म रेडिएशन का प्रोडक्शन कैसे होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है अवॉर्डिंग ऑल द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देन इट गेट अट्रैक्टेड टूअर्ड द न्यूक्लियस बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है और इट चेंजेस इज डायरेक्शन फ्रॉम इट औरिजिनल डायरेक्शन और इस दौरान ये काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है जितनी ये काइनेटिक एनर्जी लूज करता है उतनी ही एनर्जी का एक्सरे फोटोन रिलीज होता है जिसको हम ब्रह्मस्टरलॉन्ग रेडिएशन कहते हैं यहाँ पर दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं पहला इलेक्ट्रॉन अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करे और स्टॉप हो जाए दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिटेन करे और कंटिन्यूसली मूव करता रहे चलिए पहली सिचुएशन को देख लेते हैं मान लीजिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के पास 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरते हुए अगर ये पूरी की पूरी कैनेटिक एनर्जी को लूज करता है तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और जो डिफ़्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास जीरो एनर्जी बचेगी और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा अगर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिटेन करता है तब क्या होगा चलिए देखते हैं मान लीजिए है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के पास 50 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है अगर ये न्यूक्लियस के पास से गुजरते हुए 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लूज करता है तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो थर्टी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और जो डिफ़्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचेगी वो होगी फिफ्टी माइनस थर्टी इजिकल टू ट्वेंटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी बची है इसीलिए ये और मूव करेगा और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा और वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होगी जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा मान लीजिए इसने 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लूज़ किया है तो जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास जो तो एनर्जी बचेगी वो होगी ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन टू फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इलेक्ट्रॉन विल फर्दर मूव टिल इट एनर्जी बिकम ज़ीरो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन विच स्टेट दैट एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यहाँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एक इलेक्ट्रॉन का दिया है ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टंगस्टेन टारगेट के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं विथ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं विच इज़ बेसिकली ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड द वेव लेंथ लैमडा मिनिमम इज अ वेव लेंथ विच मीन हाईएस्ट एनर्जी एक्सरेस देखिए इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रेकेज नहीं है इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर हर एनर्जी के एक्सरे मिलते हैं इसीलिए इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है ब्रह्मस्टर्लंग रेडिएशन को हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मस्टर्लंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मान लो आप बाइक में जा रहे हैं आपके सामने रेड लाइट आती है तो आप क्या करोगे आप ब्रेक लगाओगे जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे आपकी जो बाइक है वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी और आपकी बाइक स्टॉप हो जाएगी बिल्कुल ऐसा ही ब्रह्मटर्लन रेडिएशन में होता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस की वजह से उसमें एक ब्रेकिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है और साथ साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी को भी लूज करता है जितनी वो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करता है उतने ही एनर्जी का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होता है द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस मेनली डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन के वी पी अपलाइड इफ़ यू अप्लाई नाइंटी के वी पी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस विल बी नाइनटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी लूज करेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा लास्ट एटमिक नंबर ऑफ टारगेट बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद